प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये एक बहुपक्षीय पहल है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक शोध और अनुप्रयोग संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत और व्यवहार के बीच जो दूरी है उसको पाटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI 29 सदस्य देशों की एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों के बीच सिद्धांत और व्यवहार अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। Today, the world looks up to India for technology solutions. The world wants to partner with India for co-creation of technologies. The world looks for thought leadership on key issues like 6G, key issues like AI. भारत का लक्ष्य शिखर सम्मेलन के अंत तक AI पर एक घोषणा दस्तावेज के लिए सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना है, जो AI के जोखिमों से निपटने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। We are negotiating a declaration document which we hope we'll be able to arrive at some consensus. Basically, today the world's thinking on AI is kind of converging. People understand the dangers. People understand the potential, people look up to the benefits which can come, and people also, the entire world wants to put certain guardrails. भारत के आग्रह पर टिकाऊ कृषि के लिए AI के उपयोग को शिखर सम्मेलन के एजेंडे में जोड़ा गया है। जापान के ओसाका में आयोजित अंतिम GPAI में मुख्य जोर जिम्मेदार AI पर था। पिछले महीने UK में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाद हालिया बैलेचले घोषणा और हाल ही में पारित EU AI अधिनियम को भी GPAI दिल्ली में अपनाई जाने वाली घोषणा में शामिल किए जाने की उम्मीद है।